टू ऑडिशंस। किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर से जब हम काम मांगते हैं अपने करियर के लिए, चाहे वो मॉडलिंग हो या फिर वो फैशन का कोई शो हो या फिर वो एक्टिंग लाइन हो या फिर प्रेस मीडिया में जॉब, तो दोस्तों कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर या फिर इवेंट प्लानर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा और हमें अच्छी इनकम भी करा सकता है। तो दोस्तों किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर या फिर किसी भी ऐसे लोगों से मिलते वक्त या उनसे बातचीत करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है कि उन पर बुरा इफेक्ट ना पड़े या फिर वो आपको नेगेटिव ना ले जाए। तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन सिवालिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑडिशन। ऑडिशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की बात कर रहा हूं मैं आपको उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप को नेगेटिव करके फिर ये कहते हैं कि मुझे काम नहीं मिला है या फिर वो इंसान फ्रॉड है। दोस्तों बता देता हूँ आपको, जब कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग करता है किसी भी शो, टीवी सीरियल या फिल्म के लिए या वेब सीरीज़ के लिए या फिर किसी अन्य चीज़ों के लिए, तो जब कोई एक्टर, आर्टिस्ट, मॉडल कोई भी काम मांगता है तो हम बहुत सारी बात करते हैं उनसे। सर हाय, हेलो, अब यू कहाँ से हैं आप? सर मुझे काम चाहिए, सर मैं ये करता हूँ, मुझे ये पता है, मुझे ये सारी जानकारियाँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, आप मुझे मौका दीजिए, आप मुझे चांस दीजिए। बहुत सारे सवाल होते हैं, उनमें कुछ ऐसे सवाल भी हम कर देते हैं जिनमें कास्टिंग डायरेक्टर नेगेटिव हो जाता है और आपको फिर इग्नोर कर देता है, फिर वो आपसे बात चाहे करे भी लेकिन आपको वो किसी भी चीज़ के लिए सेलेक्ट नहीं करेगा या फिर आपसे हो सकता है बात ही करना बंद कर दे। तो दोस्तों आज की ये सारी चीज़ें टॉपिक इसी चीज़ पर है, कृपया वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी मन में सवाल आता है तो वीडियो देखने के बाद कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों जब कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपसे बात कर रहा हो या फिर कोई भी आर्टिस्ट आपस में आप बात कर रहे हो, पहली चीज़ आप किसी से भी रिक्वेस्ट गिड़गिड़ा कर बात मत कीजिए, किसी से भी ये मत कहिए सर प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर मैं किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आई एम पुअर। ये जो सब होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर या किसी भी एजेंसी को नेगेटिव कर सकते हैं और फिर आपको वो नहीं लेगा। दोस्तों क्या होता है कि जब आप कोई भी बातचीत करते वक्त ये पुअर का जो वर्ड है इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के मन में इफेक्ट आ जाता है कि अगर हम इसे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट भी करेंगे तो ये तो बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएगा कि सर मुझे तो अभी ये करना था, मुझे वहाँ जाना है, सर मैं क्या करूँ, मेरा अच्छा इनकम का जॉब नहीं है, सर मुझे तो अभी पहले ये करना था, मुझे तो वहाँ पे पैसा कम मिलेगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो ये सारी चीज़ें मन में सवाल आ जाते हैं। दूसरा ये भी आ जाता है कि जब वो अभी से इतना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो वो आगे हमें क्या देगा? फिर तो हो सकता है वो बीच में धोखा दे दे, फेल कर दे, या फिर बोल सकता है जो उनकी फीस है चार्ज से वो नहीं देगा, तो आगे वो सारी फीस चीज़ें आपसे नहीं डिस्कस करते क्योंकि वो आपको नेगेटिव कर चुके हैं। आप उन्हें पॉजिटिव करने के लिए कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ नेगेटिव करने के लिए होती है कि आप जब कोई भी चीज़ों से वहाँ पर बात करते हो, अपने फोटोज़, वीडियो, प्रोफाइल सेंड करते हैं, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है या तो अगर वो काफ़ी समय तक वेट करते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो बदतमीजी पर आ जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कुछ और या फिर दलाल या फिर गाली गलौज तक भी कर देते हैं, जैसे में आपका करियर बिल्कुल वर्स्ट हो चुका है और वो अपने आप तो आपको सेलेक्ट करेगा नहीं लेकिन जो उसके संपर्क में है उन्हें भी वो मना करेगा क्योंकि आप उन्हें नेगेटिव कर चुके हैं और आप उनके साथ पोलाइटली नहीं थे। दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी तरह के ऐसे इंसान से बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सर आप मुझे काम दे दीजिए, जो भी होगा पैसा मैं वहाँ से पे कर दूँगा, आप पहले मुझे पे कर दीजिए, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव करती हैं। और दूसरी चीज़ कि सर आपके मैं छोटा भाई हूँ या फिर मैं आपका बेटा हूँ या फिर मैं मुझे बड़ा भाई समझ लीजिए, मेरा कोई नहीं है वहाँ पर रिश्तेदार, मुझे मुंबई में रहने वाला कोई नहीं है, मेरा दिल्ली में रहने वाला कोई नहीं है, तो आप मुझे काम दीजिए, फिर उसके बाद जैसे होगा मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, मैं आपको लौटा दूँगा। ये चीज़ें आपके काम नहीं करेगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि हर इंसान आज के दौर में अपने लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है। हो सकता है वो पहले से इंडस्ट्री में काम कर रहा हो लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो भी अपने लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है ना, तो आप भी स्ट्रगल करिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन अपने आप को किसी दलदल में गिराकर, किसी को फंसा कर वो आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, अपनी ग्रोथ नहीं रोक सकता ना। दोस्तों हर इंसान अपने लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है।